अपने मित्रों। तो आज अपन बात करेंगे एमपीएसआई के 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट जो कि 2 से 5 के बीच हुई थी उसके पूरे क्वेश्चंस का विश्लेषण। और मित्रों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस पेपर में बहुत बदलाव भी हुआ है, इसकी चर्चा अपन लास्ट में करेंगे, पहले क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, पहले तो मैं बता जाऊंगा जीएस की दुनिया चैनल का नाम स्टडी गुरुजी हो गया, और आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं और आप क्वेश्चन भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टडी गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं प्रदीप बघेल जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि ग्वालियर के पड़ाव पर रहते हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन उन्हीं ने ही बताए हैं। इसी के साथ साथ दीपक सनोदिया जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने मुझे सुबह के शिफ्ट के क्वेश्चन बताए थे, और मोइन जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, जो कि एक कंट्री का आया था ऑप्शन में। और भारत में अपन बात करें तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों, इनमें से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाती है? तो ये जो भी गैस थी उस ऑप्शन के अनुसार ये हो जाता। एक क्वेश्चन था लोक रंजन नृत्य से रिलेटेड कि ये कौन से जिले में या कौन से राज्य में इससे रिलेटेड था, आपको बताओ तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पायरोकायोटिक सेल कौन सा होता है? तो मित्रों कोशिका की अपन बात करें तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। अब ये पायरोकायोटिक ये तो ऑप्शन के अनुसार ही हो पाता। नेक्स्ट मित्रों, तानसेन किसके दरबार के कवि थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के कवि थे। नेक्स्ट मित्रों, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी। बाबर ने कौन से साल में मुगल साम्राज्य की स्थापना की? 1526 में। और 1526 में बाबर और लोधी वंश के एक शासक था जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ था, आपको उस शासक का नाम बताना है। माइका का किस चीज में उपयोग होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट मित्रों, राजा भोज का कौन सा वंश था? तो राजा भोज का परमार वंश था। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? तो बैरोमीटर का क्या है, एक वायु दाब मापी है। नेक्स्ट मित्रों, रबी फसल कौन से महीने में बोई जाती है या होती है? तो ये कौन से महीने में बोई जाती है, ये नवम्बर के महीने में बोई जाती है। कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? तो ये मित्रों ऑप्शन के अनुसार ही हो पाता। नेक्स्ट मित्रों, डोला मारू किस राज्य का लोकगीत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये डोला मारू किस राज्य का है, राजस्थान का लोकगीत है। अब देखिए, ममलेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये ममलेश्वर मंदिर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट मित्रों, जेला कहलाने वाली महिला कौन से नृत्य में भाग लेती है? मित्रों ये मैंने इंटरनेट के माध्यम से बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला, आपको पता हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एक क्वेश्चन आया था सिनेबार के अयस्क से रिलेटेड, ऐसा ही कुछ उनने बताया है। नेक्स्ट मित्रों, आसान क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1955 में हुई थी, और आपको बताना है ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है। नेक्स्ट मित्रों, सांची स्तूप बना है जो नीचे काय का बना है, ऐसे सांची स्तूप बना है तो जो नीचे ये काय का बना, ऑप्शन में मिट्टी थी, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। नेक्स्ट मित्रों, रक्त में हेपेटाइटिस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया, तो आप देखिए बायोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट मित्रों, मेगा स्केल पार्क कहाँ बना है, जो अभी हाल ही में बना है? तो ये कहाँ बना है, भोपाल में बना है। नेक्स्ट मित्रों, आप सामान्य हिंदी में अपन बात कर लेते हैं, वाक्य शुद्धि के 1 से 2 क्वेश्चन, मुहावरे के 2 से 3, लोकोक्ति 1 क्वेश्चन ये मिनिमम है, रस के 2 क्वेश्चन, छंद के 2 क्वेश्चन, अलंकार के 1 क्वेश्चन और प्रत्यय 1 क्वेश्चन, समास 1 क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द के अपन कह सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आए हैं। अब मित्रों बदलाव क्या हुआ है, तो बदलाव ये हुआ है कि गणित के क्वेश्चन पिछली शिफ्टों में, ये जो 26 तारीख का पेपर हुआ है उन शिफ्टों में तो बहुत कम आ रहे थे, पर इस शिफ्ट में जो गणित के क्वेश्चन की मात्रा हो गई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मित्रों यही था कि अब आपको गणित पर भी फोकस करना होगा, यही था। और जैसे ही मुझे गणित के क्वेश्चन भी मिलते हैं और जो और भी जानकारी मिलती है इंग्लिश और गणित के क्वेश्चन, मैं आप तक जल्द से जल्द वीडियो की मात्रा पहुंचाऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ लोगों ने मेरे को ये भी क्वेश्चन बताए थे जिन्होंने मना करा था कि हमारा नाम मत लेना, तो उनके लिए भी एक लाइक तो बनता है। तो आप फ्रेंड्स प्लीज़, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी अपना कार्य कीजिए, लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेरी हो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और नए मेहमानों से मिलती है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।